हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने वो स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि आपको ये जो ट्रेड्स लेने हैं बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में, जो आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, जो सीख सकते हो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या थी, चार्ट में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि कुछ कमेंट्स आए थे कि चार्ट में भी ये देखना इम्पोर्टेंट होगा, तो हम लोग चार्ट में भी इसको देख लेंगे। तो देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, कॉल में एंट्री कब बनेगी, टू डे हायर हाई प्लस 0.15% पे, ठीक है। तो टू डे हायर हाई क्या था, ये मान के हम लोग चलते हैं कि ये था टू डे हायर हाई, ठीक है। तो टू डे हायर हाई क्या था, 42,382, ठीक है। तो एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है, इसमें प्लस 0.515%, ठीक है, यानी 42,382 प्लस 63.5। तो राउंड ऑफ अगर हम लोग करें तो 42,446 के आसपास एंट्री होती, ठीक है, क्लियर है। तो इतना सिंपल है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एंट्री कैसे होती है इसमें, कैंडल पे या डे में जो एंट्री बनती वो कैसे होती। देखो, हम लोगों ने ये हम डिस्कस कर रखा है इसमें कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने प्रीमियम भी आप लोगों को बताया है, और उसमें प्रॉफिट के बारे में भी हम लोगों ने टारगेट के बारे में भी डिस्कस किया है कि क्या टारगेट होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये आप बिलीव करके चलो कि ये आप लोग अगर 1 लाख रुपए भी खर्च करोगे तो ये स्ट्रेटजी आपको फ्री में तो नहीं मिलेगी। अब 1 लाख रुपीज खर्च करोगे तो वो फ्री तो होगा नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो स्ट्रेटजी आपको दी है, ये 1 लाख रुपीज भी वर्थ होगा, ठीक है। खैर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और प्रॉफिट्स वगैरह कैसे रखना है। तो एंट्री हमारी कहाँ पे बनती, 42,446 के आसपास, ठीक है। तो इसको देखो, एंट्री आप क्या है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है तो एंट्री आपकी अगर 9:16 में भी अगर आपको मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में भी अगर आपको एंट्री मिलती है तो एंट्री ले सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि मार्केट को नीचे से ऊपर जाना है। ये नहीं कि ऊपर से नीचे आएगा तो आप एंट्री ले लोगे, है ना, उस टाइम नहीं। एंट्री आपकी ये नहीं सोचना है कि एंट्री हमारी मिस हो गई। एंट्री आप नीचे से ऊपर जाते समय एंट्री करोगे और एसएल के साथ काम करोगे, या तो एसएल या टारगेट, ठीक है। तो एंट्री कहाँ बनेगी, कैसे क्या होगा, हम लोग प्रीमियम में भी देख लेंगे, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे लगभग कहीं बनती है इसकी, इधर कहीं हम लोग देख लेते हैं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं इसका, डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो 1 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ पाए, और उसके बाद हम लोग प्रीमियम में भी देखेंगे। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि प्रीमियम कौन सा होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। तो हम लोग एंट्री को देख लेते हैं। तो टाइमिंग हमारी ऐसा उसमें कोई बाउंड नहीं है कि टाइमिंग के बेस पे आपको एंट्री करनी है। एंट्री देखो, ओपनिंग जब हुई, यहाँ पे ओपनिंग था, ठीक है, तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, वेट करना है, एटलीस्ट 1 मिनट तो वेट करोगे ही आप, है ना। तो यहाँ देखोगे कि मार्केट नीचे आ गया है ना, 1 मिनट में मार्केट नीचे आ गया। तो एंट्री हमारी कहाँ बनती, 42,446, ये हमारा कैलकुलेशन किया हुआ था कब, तो हम लोगों ने एक दिन पहले ही इसको कर रखा था, क्लियर है यहाँ तक। क्योंकि जैसा कि ये डिस्कस मैंने किया है कि ये कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, और जो मान लो स्क्रीन को देख नहीं सकते हैं कंटिन्यू, ये स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी उनके लिए। देखो, एक बात का आप लोग ध्यान रखना, मान लो स्क्रीन जो नहीं देख सकते हैं उनके लिए डिस्कस कर सकते हैं। मान लो इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो और
फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मार्केट को स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, तो फिर वैसे भी तो ढेर सारा लॉस करोगे ही, है ना, क्योंकि देख नहीं पा रहे हो कहाँ क्या है। तो वैसे भी एसएल लगा के और टारगेट के साथ काम करोगे, तो इसमें भी एसएल और टारगेट के साथ आपको काम करना है, ठीक है। तो एंट्री हमारी कहाँ बनती, तो ये कैंडल देखोगे आप लोग, ये कैंडल जूम करते हैं ताकि हम लोग इसको समझ पाए अच्छे से। एंट्री हमारी बनती इस कैंडल के हाई पे, ठीक है, इस कैंडल के हाई पे, इट मींस इस कैंडल पे जब ये क्रॉस करता तो इस कैंडल पे हमारी एंट्री कहीं पे बनती, ठीक है, यानी 42,446 के ऊपर एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। चलो एंट्री हो गई हमारी, अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रीमियम को देख लेंगे। एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, प्रीमियम पे ही एंट्री हम लोगों को करना है, तो प्रीमियम देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को प्रीमियम भी बताया था कि कौन सा प्रीमियम आपको चूज करना है, ठीक है। तो प्रीमियम मैंने आप लोगों को साफ शब्दों में बताया था कि करेंट वीकली एक्सपायरी नहीं चूज करना है, ठीक है, नहीं करना है चूज। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहां देखोगे आप लोग एंट्री हमारी इस पे बनती कहीं, मैंने आप लोगों से बताया था कि 600 प्लस होना चाहिए प्रीमियम का प्राइस, ठीक है, या एटीएम पे भी आप कर सकते हो, बट 600 प्लस प्राइस हो तो प्रीमियम का वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो एंट्री हमारी कहाँ पे होती है देख लेते हैं, ये 9 मान लो इस कैंडल पे होती है एंट्री हमारी, इधर कहीं 9650 के आसपास एसएल होगा हमारा, 650 के आसपास। तो एसएल क्या होगा हमारा, एसएल हम लोग प्रीमियम में ही देख लेंगे, कम से कम 60% का एसएल होगा और टारगेट 60% का, ठीक है, 60% का एसएल, 60% का टारगेट। आज जो हुआ वो हम लोग देख लेते हैं, फिर कल जो होगा वो भी देखेंगे समझेंगे। तो 60% का एसएल क्या होगा, प्लस 30 यानी 390 का एसएल होगा या 390 या 400 का टारगेट होगा, ठीक है। 640 में 50 में एंट्री हुई हमारी, यानी टारगेट क्या होगा, कम से कम 1050, है ना, 1050। तो चलो देख लेते हैं, एंट्री हो गई हमारी, अब आप लोग देखोगे इसने डे हाई क्या लगाया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। देखो ये 860 के अबव भी गया, 860 के ऊपर गया, बट टारगेट हमारा कहाँ है, 200 रुपीज और है ऊपर, है ना। तो 200 रुपीज और हम लोग इसको लेके चलेंगे, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे और देखेंगे कल क्या होता है इसके साथ, ठीक है, या तो एसएल या टारगेट, ठीक है, क्लियर है। और जो मान लो बुक करना चाहते थे, ऐसे भी देखोगे कि 200 रुपये इसमें मिल गए, मान लो 25 क्वांटिटी ही अगर आपने लिया तो 200 रुपये मिल गए, इट मीन्स 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये आपको मिल गए, है ना। लगाया मान लो कितना, 16,000 के आसपास, 16,500 मान लो, है ना, 16,500, और इसमें 5,000 रुपये आपको मिल रहे हैं, जो मिल चुके हैं, जिनको बुक करना था ये बुक कर सकते थे, है ना। तो देखोगे आप लोग कि अच्छा खासा रिटर्न भी इसमें मिल रहा है ना। तो इसको देखते हैं, आप लोग देखो समझो और बिलीव करो कि देखो या तो एसएल जाएगा या टारगेट जाएगा, और ओवर ट्रेडिंग करके उसमें भी लॉस ही करना है ना। तो रूल के हिसाब से करो, या तो एसएल या टारगेट, या 60% अगर मिल जाता है इसमें, जैसे 400 की बात हम लोगों ने की, तो वो भी अच्छा है, और टारगेट हमारा पहला तो यही होगा, उसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं इसको, है ना। तो यहां तक तो लेकर जाना ही है इसको, है ना, 400 रुपीज यानी 1,050 के आसपास लेकर जाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इसके साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।